आज का बस ये आज रास्ते में मुझे ख्याल आया व्लॉग बनाने का, और सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ इस वक्त फैसलाबाद एक इवेंट पे परफॉर्म करने के लिए, एक शादी है, और सारे मैं आपको अपने टूर पे साथ लेके जाऊंगा और सारा आपको परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे और अपना सारा ट्रिप आपको एंजॉय करवाएंगे। अच्छा, अभी फैसलाबाद तो हम एंटर हो चुके हैं, लेकिन धुंध जो है ना वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि बहुत ज़्यादा हो चुकी है। विजन जो है वो बहुत लिमिटेड हुआ है और बहुत आराम से अभी तक डबल इंडिकेटर ऑन चल रहे हैं हमारे। बस अभी हमारा इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, तो वहाँ पहुँच के फिर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अच्छा, तो इधर फैसलाबाद पहुँच गए थे, चिन्योट पैलेस आए हैं, आप बड़े हमारे अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे, और ये जी अबू ज़र साहब और सारे भाई बैठे हुए हैं, और ये हमारे जो है ना सबसे स्पेशल फ्रेंड हैं अनस भाई, और इनको तो आप जानते होंगे, आपने उनको उस व्लॉग में देखा होगा, इज्तिमा वाले व्लॉग में, और वो स्वाति भाई भी हैं। तो अभी गपशप हम सारे लगा रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और बस अभी थोड़ी देर में जो है सो जाएंगे गपशप लगाने के बाद। ये इतनी फॉग क्यों आ रही है फैसलाबाद में, हमें आए हैं सारी धुंध ही धुंध। असल में इस मौसम में आती है, हर साल आती है, इस कुछ ज्यादा ही आ रही है। जी जी, ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह जैसा चाहे वैसा हो जाए। पिछले बार तो ऐसा भी है ना कि सर्दी में पहले तो एक ही महीने जैसी से स्वेटर काम चले जाते हैं, बिल्कुल वो जैसी पहनी पड़ती है, फिर भी जो है वो बड़ी मुश्किल से कवर होती है, जुराबे भी चार चार पहननी पड़ती है। ऐसे ही ऐसे ही है। ये अनस भाई ने जो है ना सूप भी मंगवा लिया, और यहाँ पे जो है मेहमान नवाजी में जो है ना इनका कोई मुकाबला नहीं है। अभी जो है काफी मेरे घर से अच्छी चीजें मंगवाई है, कावा भी पियेंगे। बड़े मजे का ये सूप लग रहा है, कौन सा सूप है बासित भाई? हॉट एंड सावर। इतनी सर्दी में मजे मजे के क्रैकर्स और सूप। अभी जो है सूप पी लिया था हमने, और ये आप चेक करें, कर दो यार। ये क्या है, चाइनीज है क्या ये? ये मसाला राइस। मसाला राइस, ये चिकन की कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, ये मलाई बोटी, मलाई बोटी, और ये सेम वहीं पे जाना रिपीट होगा। हाँ जी, आगे सके तो बस अभी 12:30 बज गए हैं, सही जो है वो पेट भर के जो है वो खाया जा रहा है। अच्छा, ये जो है एकदम अभी ड्रिंक आ गई बड़ी जबरदस्त है अनस भाई, ये क्या चीज़ है? ये वर्जिन मोहितो। वर्जिन मोहितो, वर्जिन मोहितो, मोहितो इटालियन ड्रिंक। क्या बात है जी, इटालियन ड्रिंक, इटालियन ड्रिंक क्या। तो फैसलाबाद के जो लोग हैं ये चिन्योट पैलेस देख लें, क्या ज़बरदस्त ये मेन्यूज़ यहाँ पे जो है ना, और टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त था। तो ज़रूर इनका रेस्टोरेंट भी है नीचे, चिन्योट पैलेस रेस्टोरेंट आप सर्च करेंगे गूगल मैप पे आ जाएगा, तो लाजमी यहाँ पे आके आपने ट्राई करना है, बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। अभी ये मोहितो जो है ये मैं टेस्ट करने लगाऊँ। ये यूनिक चीज़ है, मज़े की मज़ा आया पी, बड़ी यूनिक चीज़ है यार ये, ट्राई करें सारे। आप सब तो खैर करते ही रहे होंगे। मोहितो, मोहितो, दरारे दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। गुड मॉर्निंग, अभी हमारी सुबह हो गई है और थोड़ी देर के अंदर निकल जाएंगे इवेंट के लिए, नाश्ता आने वाला है। मैंने कहा जरा गला थोड़ा सीधा कर दूं जाने से पहले, और अभी बस रेडी होते हैं और निकल जाएंगे इवेंट के लिए। और यहाँ पे भी अबू ज़र भाई बैठे हैं साथ, आप तो मोबाइल ऑन करके ही सो गए थे रात को, इसके बारे में क्या कहेंगे जी? हमने टिकटॉक के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं इसके जो है। क्या बात, देखते देखते क्या बात है। हाँ जी, तो बस अभी रेडी हो चुके हैं और तैयारियाँ सारी मुकम्मल हैं, भाई भी ऑलमोस्ट रेडी हैं और हम निकल रहे हैं, दिखाते हैं क्या सीन्स बनते हैं, परफॉर्मेंस की भी जो है ना वीडियो बना लेंगे। और स्वाति साहब जो हैं ये भी रेडी हैं, बिल्कुल जैकेट शैकेट पहन के रेडी हो गए हैं। ठंड वाकई बहुत है, मैं भी कोई जैकेट ऊपर पहन लूँगा, फिर परफॉर्मेंस टाइम में उतार लूँगा। तो लेट्स सी के क्या सीन होता है वहाँ पर। हर सितारे में आबाद है एक जहान, चांद सूरज तेरी रोशनी के निशान, हर सितारे में। इतना अच्छा यहाँ पे रिवर्ब है ना, और बस अभी हम जा रहे हैं हर तरफ। अच्छा, हम जो है यहाँ पहुँच गए हैं, और क्योंकि जुमे का दिन था तो सारे लोग जुमा पढ़ने गए हैं, हम क्योंकि मुसाफिर थे हमने उधर ही नमाज़ पढ़ ली, और यहाँ पे माशाल्लाह से बड़ा अच्छा इंतजाम हो रहा है आपको
इवेंट की जगह दिखाते हैं। आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। तो बड़े मजे का मुझे लग रहा है कि साउंड सिस्टम वगैरह भी अच्छा होगा, सब चीजें अच्छी होंगी, मजा आएगा यहाँ पे नात पढ़ने का। या नबी सल्लू अलैहि व आलिही, तू को जा मन को जा, 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 फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल। अच्छा माशाल्लाह खैर वाकफियत के साथ हमारा आज का इवेंट हो गया। आकिब ने लाइव परफॉर्म बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया, बड़ा अच्छा फंक्शन हुआ और माशाल्लाह बाकी बहुत प्यारी थी। आकिब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त रहा, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने फर्स्ट टाइम आपका लाइव सुना अच्छा, और माशाल्लाह 40-45 मिनट लाइव पढ़ना, और ऐसा लग रहा था यूट्यूब पर सुन रहे इतना क्लियर। हकीकत में लाइव लाइव माशाल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस हो गई है, और काफ़ी देर तक परफॉर्म मैंने किया, तकरीबन 40-50 मिनट्स की परफॉर्मेंस किया, और फिर मौलाना इबादुल्ला भी आ गए थे, उनसे भी मुलाकात, उनका बयान भी हुआ, बैठ के सुना। अभी बस खाना खा रहे हैं यहाँ पे, और खाना खा के हम चले जाएंगे, ये हमारे लिए खाना भी लग गया। अच्छा वापस आ गए अभी रूम में, तो अनस भाई चले जी, ये इन्होंने जो है ना असल में एक सिक्योरिटी इतनी टाइट की हुई है कि हम इनकी मर्ज़ी से जाते हैं, इनकी मर्ज़ी से निकलते हैं, हमें इजाज़त नहीं है। अच्छा ये कह रहे हैं कि सरप्राइज़ अंदर, क्या बात है जी, लश पश हो गया जी। क्या बात, आपने जो है ना जबरदस्त कमाल करवा दिया है। आज जो है हफ्ते का दिन है, और कल थी परफॉर्मेंस, अभी फ्रेश होके उठे हैं, जरा थोड़ा सा ओवर स्लीप कर गए, और अभी यहाँ से हम निकलने लगे हैं और वापस इस्लामाबाद जाने लगे हैं। हम अभी जा ही रहे थे तो अनस भाई से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं रास्ते के बगैर आपने नहीं जाना, हमने बड़ा इंसिस्ट किया कि देर हो रही है और हम रास्ते में नाश्ता कर लेंगे, लेकिन उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया, तो हमने कहा चले ठीक है, तो अभी हम नाश्ता करने लगे हैं। अभी हमने यहाँ पर नाश्ता भी कर लिया है, काफ़ी ठंड मचा दिया, और बस अभी यहाँ से जो है निकलने लगे हैं। अच्छा ये जो है ना अनस भाई ने अभी लाइटें सारी ऑन करवाई हैं, और मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम आपको अच्छी तरह विज़िट कराएंगे, तो ये उसका जो है मेन जगह है, न्यूट पैलेस की एंट्रेंस है यहाँ पे, और आप ये झूमर देखें इतना बड़ा, ये इतना खूबसूरत लग रहा है ना, कैमरे में तो सही तरह आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है, और इसके ऊपर जो ये वर्क हुआ है ये देखें आप, कैलीग्राफी और पता नहीं किस किस्म का, ये इतने मज़े का डिज़ाइन है कि दिल खुश हो गया यहाँ पर आके। अस्सलाम वालेकुम, ये है माशाल्लाह मुफ्ती उज़ैर साहब, और ये भी आप जो है ग्रेजुएट में हैं, मुफ्ती अब बन गए हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो। और किधर से आपने ये पढ़ाई की है अपनी? मैंने अभी जो मुफ्ती की पढ़ाई की है ये मैंने डाल लूँ फैसलाबाद से। माशाल्लाह, तो कैसा महसूस करें मुफ्ती बनने के बाद? अच्छा महसूस कर रहे हैं, बस आपसे भी दुआ है, और जो व्यूअर्स हैं उनसे भी दुआ है कि दुआ करें अल्लाह पाक अमल की। आमीन। ठीक है फिर अभी हम वापसी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाजी की, तो इंशाल्लाह आप भी आइएगा। आपकी मोहब्बत है,
नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल अपना ही फील होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी जल्दी।